परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि 27 दिसंबर 2017 को प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में पीढ़ी परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला सुंदर है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में जनमंच कार्यक्रम का अच्छा योगदान है। लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद चुनाव आचार संहिता हटने के उपरांत जिला कांगड़ा में धर्मशाला के समीप जरोवर स्टेडियम में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जनमंच कार्यक्रम की पहल की हर ओर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा, जनता की समस्याओं को सुनने व समाधान करने में जनमंच कार्यक्रम का अच्छा योगदान है। पॉलिसी डिसीजन के जो मामले हैं उन्हें सरकार के विचाराधीन भी भेजा जा रहा है। इस मौके पर नव निर्वाचित सांसद किशन कपूर की सराहना करते हुए गोविंद ठाकुर ने कहा कि किशन कपूर कुशलता से सभी की बात सुनते हैं और हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाते हैं। विभिन्न खेलों के कोचों की रिक्त पदों पर खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी कोचेस की पद की भर्ती एसएसबी को भेज दी गई है। एसएसबी की ओर से उनके टेस्ट लिए जाएंगे। अब ये मामला कमीशन को चला गया है। उन्होंने कहा कि कोचेस और डीवाईएसओ के पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। जयराम सरकार का प्रयास है कि खेलों से संबंधित सभी पदों को भरा जाए तथा कोई भी पद खाली ना रहे। आम जनता से अधिकारियों के द्वारा कई बार सही ढंग से बातचीत ना करने पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सरकार के ध्यान में आएगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आम जनता की बात सुनते हैं और जनमंच कार्यक्रम इसलिए है कि सभी को ये संदेश जाए कि भाजपा सरकार और जयराम सरकार सबकी सुनती है। ऐसे में इस तरह से नहीं होना चाहिए, सरकार इस ओर ध्यान देगी। वहीं गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही वोल्वो बसें जो कि बाहरी राज्य से आती हैं उन पर प्रशासन और परिवहन विभाग भी सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसी बसों के मामले सामने आने पर उन्हें जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना परमिट और टैक्स अदा किए चल रही वोल्वो बसों के धंधे को रोका जाएगा और इन पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि धर्मशाला बस अड्डे को लेकर कुछ इशू थे जिन पर कार्य चल रहा है। ये इशू पूर्व सरकार के समय के थे जिन पर वर्तमान सरकार काम कर रही है। बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को इन इशू को शीघ्र सेटल करने को कहा गया है। सबसे पहले तो मैं देश की जनता का और विशेष तौर हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी बहन भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत से जिताने के लिए लगभग 72% अधिक का यहां की जनता ने साथ दिया और प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जनमंच कार्यक्रम जयराम ठाकुर जी की सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और चुनाव संपन्न होने के बाद ये अभी पहला जनमंच हमारा उसके बाद हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कार्यक्रम हमारा लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा क्योंकि जनमंच कार्यक्रम के नाते बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे और जनता की समस्याओं को सुनने में और उनका समाधान करने में बहुत अच्छा योगदान इसका है। तो आज का यहाँ पर धर्मशाला में जो जनमंच हुआ है इसमें भी लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनको मौके पर ही समाधान किया गया है और यदि कोई पॉलिसी डिसीजन के मामले को सरकार के विचाराधीन भेजे जाते हैं। सर, कुल कितनी समस्याएं सुनी गई है और कितने को निपटारा किया गया है और कुछ एक समस्या नहीं भी सुनी गई है? देखिए, अभी लगभग 60 के आसपास समस्याएं आज लोगों ने दी है और कुछ पहले ऑनलाइन भी और प्रयास ये किया कि लगभग सभी की ही बात को यहाँ पर सुना गया है और इसलिए कि जिस चीज़ ने जो बात कही और उसमें हमारे संबंधित विभागों के जो हेड्स हैं उन्होंने उनकी बातों को स्पष्ट किया और जब जनता को लगा कि हमारी बात को पूरे ढंग से छूटा गया और उसके सुना गया और उसका समाधान की ओर प्रयास किया है तो लोग संतुष्ट हैं, तो इसीलिए भरपूर सब कुछ सुना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सर एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि मतलब जनमंच कार्यक्रम में कार्यकर्ता जो होंगे पार्टी के वो नज़र नहीं आएंगे ज़्यादा,
तो उस पर सरकार क्या कर रही है अभी? देखिए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, जनमंच जनता का है। यहाँ पर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का नहीं। अब तो चुनाव से पहले पार्टी थी, तो आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि भाई अब चुनाव हो गया, अब इसके बाद तो हमको देश चलाना है। इसलिए जनमंच कार्यक्रम तो सभी का है, और इसलिए जो भी यहाँ पर उपस्थित होगा सबका स्वागत है, वो चाहे किसी पार्टी और किसी से है। और आज भी हमने देखा कि यहाँ पर हर राजनीतिक दल से जुड़े लोग, पंचायतों के प्रतिनिधि, जिन जिन ने अपनी बात को किया, तो यहाँ पर हमारे सीनियर नेता किशन कपूर जी यहाँ पर बैठे, सभी की बात को बहुत अच्छे से सुना भी गया और सबके लिए तरीका निकालने का और उनकी समस्या समाधान का प्रयास किया है। इसलिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं कि कोई भी आ सकते हैं। सर, आप परिवहन मंत्री भी हैं, और धर्मशाला बस अड्डे का मसला जो है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे आधारभूत जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी हैं, और रिसेंटली जो है बस अड्डा धर्मशाला का सेप्टिक टैंक लीक हो रहा था, जिससे धर्मशाला आने वाले पर्यटक जो हैं वो सारे उस प्रदूषित पर्यावरण में ये हो रहे थे। तो इस पर कब तक कार्रवाई होगी और कितने समय में ये बस अड्डा बनेगा? देखिए, धर्मशाला बस अड्डे के कुछ इश्यूज हैं, और हमने जल्द से बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा कि इश्यूज को सेटल जल्दी से करें। वो मजरोड़गंज अड्डा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मशाला, जैसे यहाँ भी कुछ इश्यूज हैं, तो इसीलिए यह है कि अब जितना जल्दी ये हो सके उतना जल्दी बन करके तैयार हो जाए। लेकिन कुछ इश्यूज थे जो पिछले सरकार के समय के थे, लेकिन अब उनको ठीक कर लो ताकि ठीक प्रकार से काम हो, तो इसलिए उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अब बहुत जल्द करेंगे। सर, पर्यटन सीजन चल रहा है, और अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए या मनाली की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए, बाहरी राज्यों से वोल्वो बसें आ रही हैं, और जिनका कई बार उनके पास अपनी पासिंग अथॉरिटी वगैरह नहीं होती है, कागजों की पूरी उनकी नहीं होती है, जांच भी की जाती है, उसके बाद भी उनका इस तरह का सामने आता है, तो उसको उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमने कहा कि जो भी ऐसी गैर कानूनी बसें कोई बाहर से आ रही हैं, तो उन बसों को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, और बहुत बसों को बहुत अच्छे से फाइन भी लगा रहे हैं। और इसीलिए है कि हर एक को यह है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से जो टैक्स नहीं दे रहा और इस तरह के जो भी लोग, उनको रोका जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई उन पर की जा रही है। और सर अधिकारी जो है वो आपके सामने क्यों नर्म होते हैं, और जब लोग समस्याएं लेके उनके पास जाते हैं तो वो बड़े जो तलखी से उनके साथ पेश आते हैं, तो सर उसके ऊपर भी क्या सरकार कोई अधिकारी के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और यदि ऐसा है तो अगर जब सरकार के ध्यान में आएगा तो ऐसे अधिकारियों के प्रति कोई ऐसा नरम रुख रखने का नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब जनता की हर बात को सुनते हैं, और जनमत जैसा कार्यक्रम इसीलिए है कि ताकि सबको ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर जी की सरकार जनता की सुनने वाली है, तो इसलिए है कि इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। और इसलिए हमारा भरपूर प्रयास है, अभी पहला साल हमारा बीता है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, अब तेज रफ्तार से काम करने का, और अधिकारियों को भी हमारी रफ्तार से ही दौड़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश भी कोचिज के पद सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे हैं, और सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उनके टेस्ट इत्यादि करने, और अब जब वहाँ पर कमीशन को चला गया तो अब उनको हमने दोबारा से रिक्वेस्ट किया बहुत जल्दी से जल्दी करें, ताकि जितने हमारे कोचिज के पद हैं, DYSO के वैकेंसी, हम सबके सब पदों को भरने वाले, कोई पद हम रिक्त नहीं रहेंगे।